Brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. राजस्थान में 13 सीटों में से किस सीट पर कांग्रेस का कब्जा? क्या बीजेपी को मिलेगी कई सीटों पर करारी शिकस्त? जी हां, राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में शुक्रवार को 13 सीटों पर हुई वोटिंग का फाइनल आंकड़ा लगभग 64.56% रहा है। ये पहले चरण से करीब 6% ज्यादा है, लेकिन सभी 25 सीटों की बात की जाए तो मतदान 61.60% रहा, जो कि पिछले 2019 के चुनाव के 67.75% से 5.11% कम रहा है। राजस्थान में पहले चरण में 12 सीटों पर 57.87% वोटिंग हुई थी, लेकिन ये आंकड़ा भी दिलचस्प है कि साल 2019 में लोकसभा चुनाव में पहले चरण की 13 सीटों पर 29 अप्रैल को 68.22% वोटिंग हुई, तो वहीं दूसरे चरण की 12 सीटों पर 63.78% वोटिंग हुई। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए कुल 66.12% वोटिंग हुई, तो वही हॉट सीट बनी बाड़मेर पर सबसे ज्यादा इस बार 74.25% वोट पड़े। रविंद्र भाटी की वजह से सीट पर सबकी निगाहें भी टिकी थी। इस सीट पर जाट, राजपूत और मुस्लिमों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कुछ जानकारों के मुताबिक इस सीट पर जहां पर काठे का त्रिकोणीय मुकाबला अब तक देखने को मिल रहा था, तो वहीं मतदान के दिन तक आते आते बीजेपी के कैलाश चौधरी पिछड़ते हुए दिखाई दिए। अब ऐसे में कांग्रेस के उम्मीदवार राम और रविंद्र सिंह भाटी के बीच काठे का मुकाबला माना जा रहा है। तो वहीं बांसवाड़ा सीट पर 72.77% वोटिंग हुई। इसकी वजह बाप पार्टी के रोध और बीजेपी में शामिल हुए महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बीच सीधा मुकाबला होना है। यहां पर कुछ भी अनुमान लगा पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही चेहरों का आदिवासियों में अच्छा जनाधार है। तो वहीं 13 सीटों में सबसे कम मतदान चौक सवाई माधोपुर सीट पर 56.55% हुआ है, जो कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में यहां पर भी अनुमान लगा पाना बेहद मुश्किल है। जहां एक तरफ पहले चरण में कम वोटिंग परसेंटेज ने चिंता बढ़ाई है, तो वहीं दूसरे चरण में बढ़ा मतदान किसको लाभ देगा और किसको झटका, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।